सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, सबसे पहले एक सिंपल सी एग्जांपल के साथ स्टार्ट करने लगा हूं। दैट एग्जांपल इज दिस बॉक्स। ठीक है, लेट्स सपोज मैं फोर्स लगा रहा हूं इस डायरेक्शन में और एक टाइम फोर्स लगा रहा हूं इस डायरेक्शन में। सो इसकी पोजीशन में कोई फर्क पड़ेगा? उतनी फोर्स इस डायरेक्शन से लग रही है, उतनी फोर्स उस डायरेक्शन से लग रही है। ठीक है ना, सम न्यूटन्स यहां से, सम न्यूटन्स यहां से। सो पोजीशन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सो दिस टाइप ऑफ पोजीशन इज नोन एज इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन, ओके, इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गई है यहां पे। सो नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, ऐसी चीजें कि इक्विलिब्रियम किस किस पे इफेक्ट कैसे कैसे करता है। ठीक है, सो आई एम हैविंग टू टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस एंड रिवर्सिबल प्रोसेस। सो देखो, इरिवर्सिबल प्रोसेस में इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, बट प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट नहीं बनेगा। सो प्रोडक्ट एक नई जो फॉर्मेशन है, नई फॉर्मेशन हमारे पास रह जाएगी, दैट इज इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, सो अगर मैं क्या करूंगा, कंसंट्रेशन इसकी इंक्रीज कर दूं, कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, ठीक है, तो इसकी कंसंट्रेशन क्या, पहले करते इसकी डिक्रीज होगी। लेट सपोज इट्स कंसंट्रेशन इज डिक्रीज और इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो रही है। यही हो रहा है ना, रिएक्टेंट्स कम होते जाएंगे, प्रोडक्ट्स नजर आते जाएंगे। सो लेट्स टेक एग्जांपल, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। सो ये वापस अपने रिएक्टेंट्स वाली साइड पे नहीं आना चाहता, ठीक है, सॉल्ट वाटर मिक्स होके एसिड बेस नहीं बनाना चाहते। सो दीज आर इरिवर्सिबल रिएक्शंस, इनकी कंसेंट्रेशन कम होती जाएगी, इनकी कंसेंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी। एम आई क्लियर? सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमने देख लिया कि एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर, ये वापस नहीं आ सकता। सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, सो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। ठीक है, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन सबने सुना होगा, है ना, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, चलो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एक को एग्जांपल लिख लेते हैं, AgNO3 प्लस, ठीक है, NaCl गिव्स AgCl, AgCl ये डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट, और साथ में NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। सो दिस इज द प्रेसिपिटेट, ये वापस कन्वर्ट नहीं हो सकता। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एंड दिस इज ऑल्सो इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन की, जो मेजर पार्ट है इस चैप्टर का, दैट इज रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन, फॉर एग्जांपल रिएक्शन इज ए प्लस बी
गिव्स सी प्लस डी, ठीक है, ये मैंने रिएक्शन ले लिया। अच्छा, बट ये एक ऐसे ड्रॉ करना है और ये दिस इज अ सिंबल ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। लेट्स टेक, मेरे पास यहां इसके हैं टू मोल्स, इसके भी हैं टू मोल्स, ठीक है। अभी ये हमारे पास कोई मोल्स नहीं है, ये जीरो है, ये भी जीरो है। दीज आर रिएक्टेंट्स, दीज आर प्रोडक्ट्स। इनिशियली स्टार्टिंग में जब रिएक्शन स्टार्ट करेंगे, रिएक्टेंट्स क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स में चेंज होने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, फॉरवर्ड फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। और कुछ टाइम के बाद, विद सम टाइम, ए प्लस बी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सी प्लस डी में, ठीक है। सो दिस इज फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। अब उसके बाद फॉरवर्ड क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, और मेरे पास अपीयर कौन होगा, अपीयरेंस किस चीज की आ जाएगी, सी प्लस डी की, सी प्लस डी, है ना। तो इसकी कंसंट्रेशन क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। अब ये वापस ए प्लस बी में कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा, सो दैट विल बी बैकवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स, मेरे पास एग्जांपल्स हैं, इनफाइनाइट एग्जांपल्स हैं वैसे तो, ठीक है, बट फिर भी हाँ, आपके कमेंट्स आ रहे हैं ना, ठीक है, मेरा लाइव स्ट्रीम भी साथ साथ चल रहा है, सो इसलिए मैं ऐसे बोल रहा हूं, ठीक है। चलो, हमारे पास ये कौन सा प्रोसेस है, हेबर्स प्रोसेस, ये कौन सा प्रोसेस है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए। पीसीएल फाइव गिव्स आउट पीसीएल थ्री प्लस सीएल टू। होता क्या है, ये क्यों मैंने ये बातें की है, तीन रिएक्शन लिखे हैं, कि जब दोनों के रेट्स इक्वल हो जाए, फॉरवर्ड रेट और रिवर्स रेट, बैकवर्ड रेट, तब वो इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाती है, ठीक है। इट मींस व्हेन सी अमोनिया बना रहा हूं ना, मैं अमोनिया बना रहा हूं, तो जब मेरा फॉरवर्ड रिएक्शन रेट बिकम्स इक्वल टू बैकवर्ड रिएक्शन रेट, बैकवर्ड रिएक्शन रेट, देन इक्विलिब्रियम स्टेट इज अचीव्ड, इक्विलिब्रियम स्टेट बन जाती है तब, ठीक है। अच्छा, इसको अगर मैं दूसरी लैंग्वेज में बोलूं तो ध्यान से देखना क्या बोलूंगा, कि रेट ऑफ Disappearance, rate of disappearance should be equal to rate of appearance. ये product जो है appear हो रहा है ना, appearance, ये product appear हो रहा है, ये गायब हो रहा है, ठीक है। So that is equilibrium state, ठीक है। एक चीज और समझ लेते हैं, कि मेरे पास ये डीकंपोजिशन भी है, ये रेट ऑफ डीकंपोजिशन, रेट ऑफ डीकंपोजिशन, अमोनिया टूटेगा फिर ही दोबारा इस स्टेट में आएगा ना, सो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस इक्विलिब्रियम स्टेट। ये टूट के ये फॉर्म कर रहा है, या ये फॉर्म होके ये बन रहा है, so this is rate of formation, उल्टा हो गया अब,
ठीक है, दैट इज ऑल्सो इक्वल। अब देखो केमिकल इक्विलिब्रियम में जो हमने एग्जाम्पल की थी ना खेबर्स प्रोसेस की, तो उस रिवर्सिबल रिएक्शन में हमें कंक्लूजन क्या मिल रहा है कि कंसंट्रेशन, पहले तो याद रखना है कंसंट्रेशन को हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स में यूज करना है, कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया इज कांस्टेंट। अगर इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है तो कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया इज कांस्टेंट। अब अगर इसका ग्राफ बनाए, रेट टाइम ग्राफ, दो ग्राफ्स बनने हैं, रेट टाइम कंसंट्रेशन टाइम, ठीक है, दो ग्राफ्स बनाता हूं, रेट ग्राफ टाइम, सॉरी रेट टाइम ग्राफ। देखो ये है मेरा बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है, ये है मेरा फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है, फॉरवर्ड कम हो रहा है, बैकवर्ड ऊपर बढ़ रहा है। जब रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड और बैकवर्ड इक्वल हो जाएंगे, दैट जिस टाइम पे, उस टाइम पे इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा, इक्विलिब्रियम स्टेट आ गई, ठीक है। अगर अब सेकेंड, ये था पहला ग्राफ, आई होप सबको समझ आ गया होगा कि फॉरवर्ड वाला कम हो रहा है और बैकवर्ड वाला बढ़ रहा है, ठीक है ना, यही रिएक्शन होगा, ठीक है। तो जिस टाइम पोजीशन पे इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा है, दैट इज रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इसके बाद लाइन कॉन्स्टेंट हो जाती है, इसीलिए मैंने ऊपर कहा था NH3 इज कॉन्स्टेंट कंसेंट्रेशन उसकी, ठीक है। नेक्स्ट कंसेंट्रेशन और टाइम की बात करें, मैंने पहले एक लाइन ड्रॉ कर दी, फिर सेकेंड एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, एक नाइट्रोजन है और एक अमोनिया है, ठीक है। ऊपर वाली मैंने कंसेंट्रेशन और टाइम ग्राफ में जब ग्राफ ड्रॉ किया तो मैंने क्या देखा, नाइट्रोजन का ग्राफ ये बन रहा है, से ऊपर ज्यादा वैल्यू से नीचे आ रहा है कांस्टेंट की तरफ, हाइड्रोजन भी हायर वैल्यू की तरफ से कांस्टेंट की तरफ, और अमोनिया बढ़ के कांस्टेंट जा रहा है, वही अमोनिया ने कांस्टेंट हो जाना है, अमोनिया बनते जाना है, नाइट्रोजन कम होता जाएगा, हाइड्रोजन कम होता जाएगा, अमोनिया बढ़ता जाएगा, तो बाद में एक पॉइंट ऐसा आएगा जब कांस्टेंट हो जाएगा, दैट टाइम पीरियड इज इक्विलिब्रियम, उस पर इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है, ठीक है।